हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपने थंबनेल देख कर ही आपको पता लग गया कि जैसे मेरा वीडियो के शुरू में ही आपने देखा होगा यूट्यूब पे मैं किस तरह क्या बताने वाला हूँ आज, खंड से समाकलन। तो देखते हैं खंड से समाकलन कि किस तरह से खंड से समाकलन से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से इसका समाकलन होता है, हमें किस तरह का फलन यहाँ देखने को मिलेगा, ये देखते हैं सबसे पहले। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ओनली सिर्फ 15 मिनट में आपको खंड से समाकलन के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप, ऐसा बताऊंगा आपको। तो देखो इस तरह से, अगर खंड से समाकलन सबसे पहले कि किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, इस तरह का मिलेगा। इसमें आई इक्वल टू दो फलन है ना, दो फलन वो आपको इसमें मल्टीप्लाई में मिलेंगे। तो मैंने मान लिया पहला फलन एफ वन एक्स एंड दूसरा मान लिया इन टू में एफ टू एक्स और dx, इसका क्या करना, मुझे समाकलन करना है। तो इसका किस तरह से समाकलन करूंगा, इसका नियम क्या है खंड से समाकलन का, तो वो क्या होगा मेरे पास, फिर i इक्वल टू कि ये फर्स्ट फलन है ना, इसको तो क्या रखना है, सेम रखना है योग्य। तो देन उसके बाद ये सेकेंड वाला फलन है एफ टू, इसका क्या करना है, समाकलन करना है एफ टू एक्स एंड dx, हो गया यहां तक। फिर उसके बाद क्या करना है कि माइनस माइनस थ्री, फिर ये फर्स्ट वाला लिया है ना, इसका क्या करना है, अवकलन करना मुझे। तो डी वाई ओवर डी एक्स और एफ वन एक्स एंड ये अवकलन हो गया। फिर ये यो की तो पूरा रखना है ये वाला एफ टू एक्स एंड डी एक्स, और ये समझ मतलब कि जो यहां पे आएगा वो इसको यहां रखना है। फिर इसके बाद देखो ये पूरे का है ना, पूरे का इसका क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है। अब ये थोड़ा आपको दिखने में ऐसा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको पता चलेगा ये क्या चीज है कि ये किस तरह से है। तो आप ऐसा घबराए नहीं, अभी हमारे साथ बने रहे। तो अब बात आती है कि हम ये फर्स्ट फलन और सेकंड फलन किस तरह से यूज करें, किस किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो इसका एक कोई व्यापक रूप नहीं है कि हम किसको या माने या नहीं माने। एक्चुअली क्या होता है कि हम फर्स्ट फलन या सेकंड फलन इसलिए मानते हैं क्योंकि ये सेकंड फलन है ना, उसका आसानी से क्या हो जाए, हमारे पास समाकलन हो जाए। हम इस तरह से फर्स्ट और सेकंड को मानेंगे कि सेकंड फलन का जो आसानी से क्या हो जाए, मेरे पास समाकलन हो जाए। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर रूल है, वो क्या है मेरे पास, आई एल ए टी आईलेट, ये क्या है आईलेट। तो इससे क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड फलन जिस जिसमें जैसे ये आई है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि ये इनके अल्फाबेट है ना, ये पांच अल्फाबेट, इनसे कौन कौन से हमारे चरणांक घातांक या कुछ भी है जो सब कुछ बनते हैं, मैं आपको इनसे बताऊंगा अभी। तो इस तरह से ये आईलेट शब्द है, तो इसका यूज करके हम फर्स्ट और सेकेंड फलन को मानते हैं। तो आपको अब क्या याद रखना पड़ेगा खंड से समाकलन में, एक तो सबसे पहले आईलेट किस तरह के, आईलेट से जो भी ये अल्फाबेट है इनका मतलब क्या क्या होता है तो मैं अब बताऊंगा आपको। एंड आप जब भी आपके दिमाग में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने की बात आती है तो आप किसको याद रखोगे, आईलेट को हमेशा, किसको, आईलेट को। तो आपको आईलेट आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि ये पांच अल्फाबेट का ही तो शब्द है। तो अब देखते हैं आईलेट में ये फर्स्ट क्या होता है, सेकंड, और ये जो भी अल्फाबेट है इनको देखते हैं क्या क्या होता है इनका मतलब। तो फर्स्ट का मतलब होता है आई का मतलब, देखो यहाँ आई फोर क्या होता है, आई फोर होता है मेरे पास इनवर्स फंक्शन, क्या होता है, इन वर्स फंक्शन, इसका मतलब होता है प्रतिलोम फलन, हिंदी में क्या होता है, प्रतिलोम फलन। अब देखो प्रतिलोम फलन किस तरह के होते हैं, ये तो सेकंड लेक्चर, वो सेकंड यूनिट, सॉरी सेकंड यूनिट है आपकी, उसमें होता है प्रतिलोम फलन सारे इसके ऊपर ही है। तो उसमें क्या है, जैसे टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह से डॉट 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 ये हो सकता है कुछ भी। तो ये क्या होगा, इनवर्स फंक्शन, इसका मतलब क्या होगा, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन। अब देन देखते हैं सेकंड एल, एल का मतलब क्या होता है, एल फोर, एल फोर मेरे पास क्या होता है, लॉगरिथम, लॉगरिथम फंक्शन।
तो ये लॉगरिथम फंक्शन का मतलब क्या होता है कि लॉग क्या बोल रहा है शुरू में, लॉग लॉग का मतलब क्या होता है, लघुगण के फलन होंगे मेरे पास जो भी क्या होगा, जो सारे इसमें इसके अंदर आएंगे, तो कौन से होंगे इसमें लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन। तो लघु गण के फलन में कौन कौन से आएंगे, तो फर्स्ट सॉरी देखो कौन कौन से आएंगे, जैसे लॉग एक्स है, लॉग एक्स स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड लॉग थ्री एक्स, मतलब कि जो भी लॉग के अंदर होगा ना तो वो इस फंक्शन के अंदर आएंगे हमारे पास, जो भी लॉग में मतलब कि जो भी क्वेश्चन लॉग का होगा ना वो किस में आएगा, इसके अंदर आएगा, लघुगण के फलन के अंदर, तो उसको हम इस तरह से मानेंगे। इसके मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन करके, आप अभी हमारे साथ बने रहे, देखें कि किस किस तरह से इनके अलग अलग डेफिनेशन है। इस तरह से अब देखते हैं, सेकंड इसका आई का क्या है, ए सॉरी ए का, ए फोर क्या होता है, ए फोर होता है एलजेब्रिक, एलजेब्रिक फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है बीजीय फलन, बीजीय फलन कौन कौन से होंगे मेरे पास, बीजीय फलन में देखो एक तो मेरे पास ये होगा वन टू थ्री एंड फोर फाइव डॉट डॉट डॉट, इस तरह से दिख जाए तो वो भी क्या माना जाएगा बीजीय फलन, और अगर इस तरह से दिख जाए एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू एंड थ्री एक्स एंड फोर एक्स, इस तरह से कुछ भी दिख जाए तो वो भी क्या किस में माना जाएगा मेरे पास बीजीय फलन में। अब ध्यान देखते हैं टी आगे, नेक्स्ट टी क्या होता है, टी फोर क्या है, त्रिगोनोमेट्री, त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिगोनोमेट्री तो बताने की जरूरत नहीं है आपको पता है सिक्स त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, तो वही है अभी त्रिकोणमितीय फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन देखो मेरे पास कौन कौन से हैं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स एंड टेन एक्स, कॉट एक्स एंड सेक एक्स एंड कुछ एक्स, तो इस तरह से ये त्रिकोणमितीय फलन होंगे मेरे पास सिक्स। अब देखते हैं लास्ट ई का मतलब क्या होता है, ई फोर क्या हो गया यहाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है मेरे पास, चरघातांकी, क्या होगा चरघातांकी फलन, अब उसमें नाम से पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इस तरह से इसमें क्या होगा ई की पावर जो भी होगा, ई की पावर वाले जो भी होंगे तो वो इसके अंदर आएंगे, इस कैटेगरी के अंदर, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर टू एक्स एंड ई की पावर टू एक्स प्लस टू, ई की पावर फाइव एक्स, इस तरह से जो भी होंगे ना वो किस में आएंगे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आएंगे। तो इस तरह से ये आइडियट शब्द है ना, तो इसका मैंने अलग अलग बताया आपको, अलग अलग अल्फाबेट का अलग अलग मतलब होता है, तो वो इस तरह से इनके अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो अब जो हमारे पास आइलेट के अनुसार जो फर्स्ट में होगा उसे फर्स्ट फलन माना जाएगा एंड जो सेकंड में आएगा उसे सेकंड फलन माना जाएगा। तो इस तरह से मैंने जैसे मान लो ये क्वेश्चन ले लिया, इसमें एक्स साइन एक्स एंड डी एक्स, अब देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड किस तरह से मानेंगे, मैं इसको कराऊंगा अभी आपको। तो इसमें देखो फर्स्ट, अब देखना हमें एक्स एक्स कौन सा फलन है मेरे पास, एक्स में देखो कौन सा फलन में आ रहा है, एक्स एलजेब्रिक फंक्शन में, एलजेब्रिक में आ रहा है एक्स, और देखो साइन एक्स किस में आ रहा है, साइन एक्स किस में आ रहा है त्रिग्नोमेट्रिकल में, तो इसमें देखना सबसे पहले कौन सा है मेरे पास, ये आया एलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट शुरू में आ रहा है तो इसको क्या मानूंगा मैं, फर्स्ट मानूंगा, एंड साइन एक्स को क्या मानूंगा, सेकेंड मानूंगा, मतलब कि आइलेट के अनुसार जो फलन जो फंक्शन पहले आए तो उसे क्या मानना है, फर्स्ट फलन मानना है, एंड जो बाद में आए तो उसे क्या मानना है, सेकेंड मानना है। तो इस तरह से मैं आपको अब क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको इसके इसके बारे में पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से हमने लिखा है और इसका यूज हम किस तरह से करेंगे। तो
अब हमारे साथ बने रहे और वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक तो वीडियो को लाइक तो करी कर दे। ओके तो अब देखते हैं, हम दो क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे इसका भी पता चल जाएगा ये किस फॉर्मूले काम करता है, इस तरह का फॉर्मूला। तो देखो पहला ले लेता हूं मैं, एक्स वही साइन एक्स एंड डी एक्स, अभी बताया ना आपको एग्जाम्पल ले, इस तरह से लेंगे। अब सबसे पहले तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि ये खंड से समाकलन है और इसमें किसका यूज होगा, आईलेट का। तो सबसे पहले तो आईलेट पे आ जाओ, तो आईलेट में देखो अब आईलेट के अनुसार इसमें फर्स्ट फलन कौन सा और सेकंड कौन सा है। तो एक्स हमारा किस में आता था, एलजेब्रिक फंक्शन में, तो एलजेब्रिक होगा। और साइन एलजेब्रिक का मतलब क्या होगा, ए हो गया, ए हो गया है ना। और साइन एक्स किस में आता था, त्रिगोनोमेट्रिक में, तो त्रिगोनोमेट्रिक ये हो गया। तो पहले कौन सा आ रहा है, पहले एलजेब्रिक आ रहा है ना ए, तो इस तरह से ये तो फर्स्ट होगा एंड ये सेकंड होगा, जो भी हमें यहाँ दे रखा है उसके अनुसार। तो मैं इसे क्या मानूंगा, फर्स्ट मानूंगा और इसे सेकंड मानूंगा, और इसको आई के इक्वल टू मान लेता हूँ, ये लो हो गया। अब देखो अब ये यहाँ तक हमने मान लिया, ये तो हमारा कंप्लीट होगा आईलेट का कार्य। तो अब देखते हैं अब इस फॉर्मूले का यूज किस तरह से करेंगे। अब देखोगे यहाँ फर्स्ट फलन सेम, तो फर्स्ट फलन क्या है मेरे पास, एक्स है, तो एक्स को क्या रखूंगा यो के, तो एंड सेकंड फलन का समाकलन हो रहा है, तो सेकंड फलन क्या है मेरे पास, साइन एक्स है और डी एक्स, इसका क्या कर दिया मैंने, समाकलन कर दिया। ओके फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद एक तो ये पूरा समाकलन का चिन्ह लगाऊंगा, फिर फर्स्ट फलन का क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है, तो फर्स्ट फलन क्या है मेरे पास यहाँ एक्स है, तो एक्स का क्या करूंगा मैं, अवकलन करता हूँ मैं, तो मैंने ये अवकलन कर दिया। एंड फिर सेकेंड फलन यों की तो, मतलब कि ये आया ना वही तो यों की तो है, यहाँ भी देखो, तो इस तरह से मैं इसको यों की तो रखूंगा, साइन एक्स एंड डी एक्स। और फिर इस पूरे का क्या हो रहा है, पूरे का क्या हो रहा है, एक बार और समाकलन हो रहा है, इस पूरे का जो भी हमारे पास आएगा यहाँ मान निकल के उसका क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है। तो अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे एक्स, अब साइन एक्स का समाकलन ये तो बिल्कुल सिंपल है, साइन एक्स का क्या होता है आप बोलोगे कॉस एक्स नहीं होता क्योंकि नेगेटिव साइन आता है इसमें, ये आपको याद रखना है। तो साइन एक्स का क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स, ओके एंड माइनस। अब इसके अंदर देखते हैं एक्स का अवकलन क्या होगा, एक्स का अवकलन वन होगा, मैंने वन हो गया, एंड फिर साइन एक्स का वही माइनस का कॉस एक्स हो गया, एंड ये डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा, हो गया यहां तक। अब आगे हल करते हैं देखो, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो ये माइनस तो है ये, तो माइनस का एक्स कॉस एक्स एंड माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस हो गई, और फिर यहाँ क्या बचा ओनली कॉस एक्स एंड डी एक्स। अब इस कॉस एक्स का मैं क्या करूंगा, समाकलन कर दूंगा फिर से, तो ये क्या हो गया माइनस का एक्स कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स होगा, साइन एक्स प्लस सी, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ये देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, इस तरह से तो आपको इस तरह के ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर फर्स्ट और सेकंड फलन मान लिया ना आपने, तो समझो आगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, अगर आपने और विधियां भी पढ़ी है, आंशिक बिंदुओं से भी इसमें बन जाएंगे क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि से और पूरी विधियों से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये इस तरह से होगा ये आसानी से। तो एक और देख लेते हैं हम, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या लेता हूं मैं, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ई की पावर एक्स एंड डी एक्स। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, दिख तो ऐसे रहा जैसे हो गया तुरंत ही, लेकिन थोड़ा इसमें हल्का सा टर्न है, तो वो देखते हैं वो टर्न क्या है। तो देखते हैं वो, सबसे पहले तो ये देखते हैं एक्स स्क्वायर कौन सा फलन है मेरे पास, एलजेब्रिक है, वही एलजेब्रिक है ये वाला, एंड ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का मान क्या बताया मैंने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो कौन सा है ये वाला, तो फर्स्ट कौन सा है ये वाला ही है, तो फर्स्ट इसे ही रखेंगे फर्स्ट, और ये सेकंड होगा। अब फर्स्ट और सेकंड होगा, इसके बाद किसके यूज करेंगे हम, इस फॉर्मूले का करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अनुसार फर्स्ट फलन यौगिक तो एंड सेकंड का समाकलन, तो सेकंड का कौन सा, ई की पावर एक्स का और डी एक्स, एंड माइनस उसके बाद क्या करते हैं, माइनस चिन्ह लगा के पूरे का समाकलन करेंगे उसके लिए अलग से वो, फिर फर्स्ट का क्या करेंगे हम, अवकलन करेंगे, फर्स्ट का क्या करूंगा अवकलन, तो डी बाई ओवर डी एक्स एंड
ये एक्स स्क्वायर एंड फिर इसको यो के तो रखना है e की पावर x एंड dx, और फिर इसका पूरे का फिर से क्या समाकलन करना है। कर दिए, ये आगे समझ में यहां तक, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर एंड e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है एंड माइनस, अब ये इसका क्या होगा, अवकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, टू एक्स, और ये e की पावर x dx का ये रहा वो आएगा e की पावर x, और फिर इसका करना है फिर dx। तो खंड से समाकलन में भी जैसे आंशिक वो सॉरी वो दिन फलन का फलन, इस तरह से इसमें भी क्या है दो दो बार समाकलन हो सकते हैं। तो देखो अभी इसमें आगे देखना, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, अभी इस टू को क्या कांस्टेंट राशि है, तो इसको मैं अवकलन समाकलन से बाहर ले लेता हूँ, ये ले लिया एंड फिर क्या बचेगा, एक्स ई की पावर एक्स एंड डी एक्स। तो अब ये फिर से क्या बन गया मेरे पास, एक बार और फिर से आईलेट मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, और क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये अब ये दोनों फलन हो गए, फिर से दो फलन बन गए ना, ये और मल्टीप्लाई में हो गए, तो मुझे क्या फिर से यहाँ आईलेट लगाना पड़ेगा। तो इसके अनुसार देखो फर्स्ट कौन सा है, वही अलजेब्रिक का ही, और ये कौन सा, एक्स कौन सा, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो मैं फिर से आईलेट लगा के और फिर से यही फॉर्मूला काम में लूंगा। तो इसका देखो फिर से क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स तो यूँ की तो ये, और ये टू तो है ही है, अब ऊपर लगाते हैं बड़ा पोस्टर क्योंकि ये पूरे में मल्टीप्लाई है टू, तो x तो यों की तो फर्स्ट फलन एंड सेकंड का समाकलन e की पावर x एंड dx इसका समाकलन, एंड देन माइनस उसके बाद फर्स्ट का अवकलन dy ओवर dx और x, ओके, एंड फिर e की पावर x एंड dx ये करेंगे यों की तो, और फिर इस पूरे का क्या समाकलन करूंगा मैं, ये कर दिया ये होगा यहां तक। फिर इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, अब मैं टू को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो टू और एक्स, ये टू एक्स हो गया, एंड ई की पावर एक्स का क्या होगा समाकलन मेरे पास, ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स होगा एंड माइनस, और एक्स का अवकलन क्या होगा मेरे पास, एक्स का अवकलन क्या होगा, वन होगा, तो ये वन होगा, सॉरी ये टू को भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना अंदर, माइनस टू और माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो एक तो क्या होगा प्लस का टू प्लस हो गए, और ये टू को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो फिर आगे ये कोष्टक तो रहेगा ये समाकलन से, अब डी वाई और डी एक्स मतलब अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स का वन हो गया, वन हो गया, एंड फिर क्या बचा मेरे पास, ई की पावर एक्स डी एक्स क्या होगा समाकलन, इसका क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा, एंड देन फाइनली क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा। अब ये एक है तो इसको क्या कर दूं मैं, मिटा दूं, वो ही आएगा मल्टीप्लाई, एक को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही संख्या आती है, क्योंकि एक क्या है मेरे पास गुणात्मक तत्समक होता है, इसलिए तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, e की पावर x एंड dx इस तरह से लिख दिया मैंने, इसका क्या हो गया, वन हो गया समाकलन, अब सॉरी अवकलन, तो इस तरह से हो गया। अब मेरे पास ओनली क्या बचा, e की पावर x बचा, इसका समाकलन मैं आसानी से कर दूं और फिर मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x एंड e की पावर x एंड प्लस 2, अब e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x प्लस में c, तो इस तरह से आपका यहाँ तक सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। अगर आप आगे सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो e की पावर x और e की पावर x इस सब में से कॉमन ले लेते हैं, चलो तो क्या होगा, e की पावर x कॉमन ले लिया मैंने सब में से, तो इसमें x स्क्वायर, इसमें माइनस 2x, इसमें प्लस का 2 एंड प्लस में c, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप चाहे यहाँ तक भी कर दोगे ना तब भी आपको पूरे नंबर देगा, नहीं कि एक कुछ नंबर भी काट सकता है, इससे कुछ नहीं, आपने क्या किया, आगे कॉमन ही तो लिया है। तो इस तरह से हमारे पास ये आईलेट के अनुसार खंड से समाकलन हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना, अगर हमें खंड से समाकलन करना है तो हमें आईलेट को हमेशा याद रखना ही होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब तो कर ले, क्योंकि अब हम आगे आपको पूरी बुक हल कराने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो आप इससे अच्छा होगा कि आप सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे रोज न्यू अपलोड हुई वीडियो को आप देख सको। तो थैंक यू फ्रेंड्स।